हेलो हाय स्टूडेंट, आपका AMR टेक्निकल क्लासेस के IT यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो आज हम अपना एक लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम देखेंगे लेक्चर नंबर 31। और इस लेक्चर में हम जानेंगे कि मल्टीमीटर का हम यूज कैसे करते हैं, मल्टीमीटर के बारे में हम जान सकते हैं और मल्टीमीटर को हम कैसे यूज कर सकते हैं, वो सब कुछ हम बातें जानेंगे। क्योंकि आपकी जो एग्जाम्स में जब आप मल्टीमीटर अगर किसी एग्जामिनर के द्वारा अगर आप लेते हो और एग्जामिनर अगर मल्टीमीटर के बारे में आपसे अगर कुछ बातें पूछ लें तो आपको वो सब कुछ बताना होता है। अब मल्टीमीटर में होता क्या क्या है वो भी आपको देखना है, और मल्टीमीटर का आप यूज करते हो तब आप रेजिस्टेंस कैसे चेक कर सकते हो, करंट कैसे चेक कर सकते हो, वोल्टेज कैसे चेक कर सकते हो, और कंटिन्यूटी आपको चेक करना आनी चाहिए। जैसे मान के चलिए हमने बात की थी कि आपको DC सीरीज मोटर हो गई या 3 फेज इंडक्शन मोटर हो गई, अदर किसी भी उपकरण की अगर आप कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हो, उनके पेयर बनाना चाहते हो, तो आपको मल्टीमीटर का यूज करना चाहिए। अगर मल्टीमीटर अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आपको सीरीज टेस्ट लैंप पे जाना चाहिए। अगर आपको सीरीज टेस्ट लैंप अच्छे से चलाना आता है, क्योंकि सीरीज टेस्ट लैंप अगर आप बनाना जानते हो और उसका अच्छे से यूज करना जानते हो तो आप आसानी से मल्टीमीटर को आप सीख सकते हो। क्योंकि मल्टीमीटर का यूज जो जहां पे हम करते हैं, इसके अंदर हम अलग अलग तरीके की क्वांटिटीज को हम माप सकते हैं। क्वांटिटीज का मतलब यूनिट्स को हम माप सकते हैं। ओके, यूनिट्स की हम बात करें, जैसे आपने करंट का मात्र क्या होता है, एम्पियर होता है, वोल्टेज का मात्र क्या होता है, वोल्टेज होता है, शक्ति का मात्र क्या होता है, वाट होता है। तो सभी के लिए अलग अलग उपकरण बने हुए हैं जो आपके मेजरमेंट उपकरण हम इनको बोलते हैं। ओके, तो हम जो लेके आए हैं आपके लिए एक एनालॉग मल्टीमीटर हम लेके आए हैं। जो आपके मल्टीमीटर होते हैं ये दो टाइप के बने हुए होते हैं। जो हमने मल्टीमीटर की मेन हेडिंग ली है, क्योंकि आपको मल्टीमीटर के बारे में मेरे को सब कुछ बताना है। ओके, तो यहाँ पे ये मल्टीमीटर ले लिया, और मल्टीमीटर के बाद में हमने देखा कि ये कितने टाइप के बने हुए होते हैं। एक होता है मल्टीमीटर जो होता है एनालॉग वाला, और सेकेंड नंबर पे होता है डिजिटल वाला। जो डिजिटल मल्टीमीटर होता है इसमें क्या होता है, और एनालॉग वाले मल्टीमीटर में ऐसा क्या होता है? देखिए, एनालॉग मल्टीमीटर होता है जिसमें एक स्केल दिया जाता है। ओके, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, इसमें क्या आपका एक स्केल दे रखा है। और जो डिजिटल मल्टीमीटर होता है उसमें एक डिस्प्ले दी जाती है। अब जो चीज, जो काम आप इससे चेक करना चाहते हो या जो काम इससे कर सकते हो, वो काम आप डिजिटल मल्टीमीटर से भी आप आसानी से कर सकते हो। ओके, तो जो मेरे पास उपकरण अवेलेबल था वो मैं आपके पास लेके आया हूँ, ये मल्टीमीटर। आप इसी से वो सब कुछ चेक कर सकते हो। फर्क इतना सा है कि इसमें ये अपना एक पॉइंटर होता है। ये जो पॉइंटर देखने में आ रहा है आपके स्केल के ऊपर, एक पॉइंटर है। ये पॉइंटर रीडिंग को डिनोट करता है। ओके, रीडिंग को हमें बताता है। और जो डिजिटल मल्टीमीटर होता है वो एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब कहने का मतलब, इसको जब आप पढ़ते हो इसमें थोड़े से पॉइंटों में या ऊपर नीचे थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन डिजिटल मल्टीमीटर में ऐसी मिस्टेक आपको देखने के लिए नहीं मिलती। ओके, क्योंकि आप उसके अंदर एक फिक्स मान डिनोट, मतलब जो फिक्स मान वो दिखाता है वो हम उसको नोट कर सकते हैं। ओके, तो हमने जो बात की ये एनालॉग मल्टीमीटर और डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में हमने जाना। अब जो मल्टीमीटर होता है, मल्टीमीटर को हम एक एवोमीटर के नाम से भी जानते हैं। एवोमीटर का मतलब क्या होता है भाई? एवोमीटर भी हम इसको बोलते हैं। अब एवो क्यों बोला गया? क्योंकि इसके अंदर एक बहुमापी एक मल्टीमीटर होता है। क्योंकि इसके अंदर मल्टी का मतलब ही क्या होता है कि एक से अधिक क्वांटिटीज को या एक से अधिक यूनिट्स को मापना। ओके, तो मल्टीमीटर का मतलब क्या हुआ भाई? एक से अधिक यूनिट्स को क्या करेगा, ये मापेगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे एवो इसका नाम ही इसलिए पड़ा कि ये एक का मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है। तो धारा का मात्र क्या होता है, धारा का मात्र क्या होता है, एम्पियर होता है। भाई सबसे पहले आपको ये तो देखना होता है कि धारा का मात्र क्या होता है, एम्पियर होता है। तो जब मात्रक एम्पियर है, एम्पियर है, धारा का मात्र क्या है, एम्पियर है, तो एम्पियर का प्रतीक भी तो हम ए ही लेते हैं, तो उसी पे इसको एम्पियर मीटर या एवो मीटर बोला गया। भाई वोल्टेज का मात्र क्या होता है भाई? वोल्ट होता है। वोल्टेज का मात्र क्या होता है? वोल्ट होता है। और इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं? वी से डिनोट कर सकते हैं। ओके, वी से। और ओ का मतलब क्या होता है? ओम। जो आपका रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस को आप किसमें मापते हो भाई? रेजिस्टेंस या प्रतिरोध का मात्र क्या होता है? ओम होता है। तो ओ से हम किसको लिखते हैं? ओम को लिखते हैं। तो यहाँ पे ओम ऐसे लिखा जाता है। ओके, ये आप समझ गए होंगे। अब इनके जो मात्रक होते हैं, धारा का मात्रक आपने देख लिया भाई, एम्पियर होता है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और हमने इसको किससे दर्शाया? ऐसे दर्शा दिया। वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है, इसको ई और वी भी हम लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको वी लिखा हुआ है तो आप वी से डिनोट कर सकते हो, या ई लिखा हुआ हो तो आप ई भी लिख सकते हो। ओके, ओम मीटर, ओ से जो मीनिंग स्टार्ट होती है ना, ओम, तो उसी पे हमने इसको ओम मीटर नाम दे दिया। ओके, अब इनके जो प्रतीक होते हैं,
जैसे धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और हम इसको करंट को किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं, वोल्टेज को किससे लिखते हैं, वी से लिखते हैं, और प्रतिरोध को किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। ओके, यहां पे इनके साइन बने हुए होते हैं, जो ओम का साइन आपने ऐसा देखा होगा, आपने ऐसा देखा होगा ओम का साइन ये होता है, ठीक है, हम इसी पे चर्चा करेंगे। और यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये जो एम्पियर मीटर है, वोल्ट मीटर है, ओम मीटर है, इनको हम कनेक्ट कैसे करते हैं। जब आप इस मल्टीमीटर का यूज करोगे तो आपको इसका यूज करना भी तो आना चाहिए, क्योंकि मतलब आप इसको जब सेट करोगे और आप जो इनके दोनों लीड हैं, इन दोनों लीडों का आप यूज कहां पे कर सकते हो और कैसे करोगे। ओके, तो ये हम देखेंगे। जैसे मान के चलिए आपको किसी भी उपकरण में बहने वाली धारा का मान आपको पता करना है, तो मल्टीमीटर कैसे लगेगा, उसके सीरीज में लग जाएगा। ओके, अगर आपको वोल्टेज चेक करनी है तो वोल्टेज चेक करने के लिए आपको दोनों लीडों को उसके समानांतर क्रम में लगा देना होता है, और ओममीटर का भी वैसे हम यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि अगर आपका जो एवोमीटर है या मल्टीमीटर है, ये एकमात्र एसी की करंट को नहीं मापता, एकमात्र किसको नहीं मापता, एसी की करंट को नहीं मापता, और जो आपका ये मल्टीमीटर है ये डीसी की करंट को अच्छे से मापता है। ओके, डीसी की करंट को मापता है, वोल्टेज को मापता है, एसी की वोल्टेज को मापता है, और बजर ये सायरन भी देता है, कंटिन्यूटी के लिए हम जो सायरन लेते हैं उसका ये काम करता है, और आपका ओम जो रेजिस्टेंस है इसको भी ये मापता है। ओके, तो ये आपको इसमें देख के आपको पता करना होता है कि आप क्या काम करने जा रहे हो। अगर आपको वोल्टेज मापनी है, जैसे एसी की वोल्टेज मापनी है, तो आप एसी की वोल्टेज 10 वोल्टेज तक माप रहे हो, 50 वोल्टेज तक माप रहे हो, 250 वोल्टेज तक, या 1000 वोल्टेज तक। तो आपको नॉर्मली अगर सिंगल फेज सप्लाई आ रही होती है तो सिंगल फेज सप्लाई कितनी आती है, 250 या 240 वोल्टेज तक। तो आपको मैक्सिमम इस सिलेक्टर स्विच को कहां पे लेना होता है, मल्टीमीटर की 250 वोल्टेज एसी पे। कहने मतलब आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप एसी की वोल्टेज चेक कर रहे हो या डीसी की वोल्टेज चेक कर रहे हो। ओके, तो हम इन सभी बातों पे हम चर्चा करते हुए आपको कुछ ना कुछ पॉइंट बताते जाएंगे, जिससे आप मल्टीमीटर चलाना भी सीख जाओगे और यहाँ पे मल्टीमीटर के बारे में सब कुछ जान भी लोगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इसके कंटिन्यूटी की। ओके, तो हम कंटिन्यूटी, जैसे आप देखते हो कि किसी भी उपकरण के अंदर बहने वाली धारा या उसका सर्किट कैसे कंप्लीट होता है, उस पर अगर आप बात करते हो तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए कि हम जब मल्टीमीटर का यूज कर रहे हैं तो मल्टीमीटर का यूज हम करते कैसे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इसकी बात करें कंटिन्यूटी की। ओके, तो कंटिन्यूटी के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे एक बजर दिया हुआ होता है। ओके, बजर क्या करता है, ये सायरन देता है। ओके, अब सायरन कैसे देता है, जैसे मान के चलो आप किसी लैंप को ले रखे हो। ओके, किसी लैंप को ले रखे हो, लैंप को लेने के बाद में आपको इसको चेक करना है कि भाई इसका फिलामेंट कहीं से ओपन तो नहीं है। अगर ओपन होगा तो आपका बजर सायरन नहीं देगा। ओके, जैसे इसका ओपन होगा तो इसका सर्किट क्या होगा, ओपन रहेगा। तो ओपन रहेगा जिस सर्किट के अंदर या मतलब किसी भी प्रकार से तो कोई फ्लो नहीं होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा उसके अंदर, वोल्टेज का फ्लो नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि ये सर्किट ओपन है, और ओपन है तो अपना बजर का सर्किट कंप्लीट नहीं होने की वजह से ये अपना सायरन नहीं देगा। ओके, तो हम आपको बताएंगे ये सायरन देता कैसे है। सायरन देने का मतलब क्या होता है कि भाई देखिए, रेड पिन प्लस वाले में हम लगाते हैं। ओके, और नेगेटिव वाली पिन या कॉमन पिन भी हम इसको बोलते हैं, ब्लैक वाली को क्या बोलते हैं, कॉमन पिन हम इसको बोलते हैं। देखिए, आप जब इस मल्टीमीटर को अगर बजर पे सेट कर लेते हो, ओके, बजर का मतलब क्या होगा, ये यहाँ पे सायरन देगा। अगर आप किसी भी उपकरण को यहाँ पे लगाओगे, देखो ये बजर की आवाज दे रहा है, आप अच्छे से सुन सकते हो, बजर की आवाज सुनाई दे रही है, यहाँ पे इसका सर्किट क्या होगा, कंप्लीट हो रहा है। कहने मतलब आपकी लीड है कहीं से ओपन नहीं है, अभी ओपन है तो इसका मतलब कोई सायरन नहीं दे रहा, तो सायरन कब देगा, जब इसका सर्किट कंप्लीट होगा। तो जैसे आप इन पिनों को इस पर लगाकर चेक करोगे, तो अगर ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है, इसका मतलब है आपका ये लैंप बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो आपको किस पे चेक करके देखना होता है, बजर वाले सायरन पे, या ऐसा सायरन सा बना हुआ होता है। ओके, ऐसा सायरन सा बना हुआ होता है, ऐसे ऐसे इसके ऐसे बड़े होते जाते हैं, और ये हम एक इसको स्पीकर भी हम बोल सकते हैं। ओके, तो आपको किस पे रखना होता है, स्पीकर पे हम इसको रखते हैं। मैं आपके लिए एक यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लेके, ये डायोड भी लेके आया हूँ, और एक हम ट्रांसफॉर्मर भी लेके आया हूँ। ओके, तो हम इससे भी हम ये पता कर सकते हैं कि आपका बजर ये सायरन देता है कि नहीं देता। ओके, तो इसके तार नहीं निकले हुए हैं, इसके तार निकले हुए हैं। ओके, ये हम इनको क्या क्या बोलते हैं, हम इन पर भी बाद में चर्चा करेंगे, कि मैं आपको ब्रिज डायोड का भी प्रैक्टिकल करवाने वाला हूँ। ब्रिज डायोड को आप अच्छे से समझ सकते हो, ब्रिज डायोड कैसे कंटिन्यूटी दिखाता है, कैसे काम करता है, और इसका ब्रिज डायोड हम कैसे बनाते हैं। ओके, वो हम बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान के चलो
आपको इसकी वाइंडिंग को चेक करना है, ओके, दोनों तरफ की वाइंडिंग को आपको क्या करना है, चेक करना है कि ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है कि नहीं दिखा रही है, प्रॉपर तरीके से सही है या नहीं है, ओके, तो सही है कि नहीं है। अगर हम इस पे लगाएंगे, और मैंने इस सायरन को, इस मल्टीमीटर को मैंने बजर पे सेट कर रखा है, ओके, बजर पे सेट कर रखा है, तो आप आसानी से देख सकते हो इसका ये सिलेक्टर स्विच है, तो मैंने इसको किस पे सेट किया, बजर पे सेट किया, और ये जो रेड वाली और ब्लैक वाली जो पिन है, इन दोनों को हम इस पे लगा करके चेक करेंगे, इन दोनों तारों पे, ओके। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ दोनों तारों पे, एक एक मिनट। इसमें रेड ब्लैक का कोई मतलब नहीं होता, आप जब कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, ब्लैक वाले को यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं होगा, ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, और एक को पिन को यहाँ पे लगा देता हूँ। अगर ये सायरन दे रहा है, देखो ये सायरन दे रहा है, ओके, हमने इसको देखा, तो इसका मतलब है कि आपका सर्किट बिल्कुल कंप्लीट है। ये देखो सायरन दे रहा है, ओके, सायरन दे रहा है, इसका मतलब है कि आपकी ये जो वाइंडिंग है, ओके, ट्रांसफॉर्मर की जो इसके अंदर जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो भी वाइंडिंग हो रखी है, इस पे हमने देखा, तो ये क्या दिखा रहा है, कंटिन्यूटी दिखा रहा है। इसका मतलब है कि आप कंटिन्यूटी आसानी से चेक कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका सर्किट अंदर से ओपन नहीं है, क्लोज है, तो इसके अंदर आप जैसे ही करंट फ्लो करवाओगे तो उसका पूरा कंप्लीट सर्किट बन सकता है, ओके। अगर आपको यहाँ पे चेक करना है भाई, इसका भी चेक करना चाहो तो आप इसका भी चेक कर सकते हो, इसमें भी बज्जर के द्वारा इसका सर्किट भी कंप्लीट हो जाएगा, ओके। और अगर आपको ये पता करना हो कि भाई ये शॉर्ट तो नहीं है, शॉर्ट का मतलब एक पिन यहाँ पे लगाओगे पर एक पिन इस वाली पे लगा के देखोगे कि भाई अंदर से अगर वायरिंग जली हुई होगी तो ये आपस में कंटिन्यूटी दिखाएगा, कंटिन्यूटी दिखा रहा है भाई, प्राइमरी अलग होती है, सेकेंडरी अलग होती है। जब आप इन दोनों वाइंडिंगों के एक एक तार को अगर लगा करके देखोगे, ओके, तो ये अगर कंटिन्यूटी दिखा रहा है, इसका मतलब ये सायरन दे रहा है, तो इसका मतलब ये आपका ट्रांसफॉर्मर खराब है। क्या है ये, आपका ट्रांसफॉर्मर खराब मिलता है, ओके। तो हम बात करेंगे, आपको ये सब कुछ बता दिया, कंटिन्यूटी के बारे में बता दिया। अब आपको अगर इसी का अगर रेजिस्टेंस चेक करना हो, जैसे मान के चलो एसी की वोल्टेज चेक करनी हो, या आप डीसी की वोल्टेज चेक करना चाहते हो, या रेजिस्टेंस चेक करना चाहते हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप यहाँ पे एसी की वोल्टेज कैसे चेक कर सकते हो। मेरे पास लाइट का एक सिस्टम है, छोटा सा आपको मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए, अगर इसमें लाइट आ रही होगी तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये एक मेरा जोगाड़ किया हुआ है आपके लिए, तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको क्या करना है। अगर एसी की वोल्टेज चेक करनी, क्योंकि एसी का ये जो बनाया हुआ है इसके अंदर 240 वोल्ट जो अपने घरों में जो सप्लाई आ रही होती है उसी पे ये वर्क करता है, तो हम क्या करेंगे भाई, इसकी 240 वोल्टेज भाई, एसी की वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं, ओके। तो एसी की वोल्टेज क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हम कंटिन्यूटी की बात हो गई अपनी, ओके। अगर किसी भी उपकरण की आप कंटिन्यूटी चेक करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, लैंप हो गया, पंखा हो गया, वाइंडिंग हो गए, अदर कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो भी होगा उसके आप कंटिन्यूटी आसानी से चेक कर सकते हो। अब हम बात करते हैं भाई एसी की वोल्टेज, एसी की क्या चेक करेंगे हम, वोल्टेज। अब एसी की जब आप वोल्टेज चेक करते हो तो आपकी जो वोल्टेज होती है भाई 10 वोल्ट से लेकर के, एसी की वोल्टेज भाई मिनिमम वोल्टेज भी हो सकती है और मैक्सिमम वोल्टेज तो होती होती है, ओके। तो मैक्सिमम वोल्टेज हम मान के चलते भाई 1000 वोल्टेज इस मल्टीमीटर की रेंज होती है, ओके। ये मल्टीमीटर कितनी वोल्टेज तक की वोल्टेज मैं आपके बता सकता है, आपको 1000 वोल्टेज तक की ये वोल्टेज चेक करके आपको बता सकता है, ओके। तो अब आपको क्या करना है भाई, वोल्टेज चेक करनी है। अब एसी की वोल्टेज चेक करें तो एसी का साइन भी तो होता है, अरे भाई साइन होता है ना वोल्टेज का, तो हम देखो भाई एसी की वोल्टेज हम चेक कर रहे हैं, भाई एसी की वोल्टेज चेक कर रहे हैं, तो इसके लिए ऐसे साइन बना हुआ होता है, कैसा भाई, हाफ साइकिल देखिए या फुल साइकिल आपने देखी होगी, ऐसे ऐसे साइन लेते हो ना, तो एसी का मतलब ये अल्टरनेटिंग पल्स है, ओके। ये क्या है, अल्टरनेटिंग साइकिल बना रहा है, जो साइनसोइडल हम वेव बोलते हैं ना, यह बना रहा है। तो हम इसका साइन कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे। तो ये साइन क्या दिखा रहा है आपको कि एसी की वोल्टेज, अब वोल्टेज के लिए वी लिखा हुआ होगा, ओके। तो आप इस पे भी देख सकते हो, देखो इसमें लिखा हुआ है, ये देखो एसी है, एसी की वोल्टेज, ओके, एसी की वोल्टेज लिखा हुआ है, या अगर आप डीसी की वोल्टेज चेक करोगे तो यहाँ पे डीसी लिखा हुआ है, डीसी के लिए वी लिखा हुआ है, ओके, डीसी की वोल्टेज यहां से चेक करते हैं। अब आप इस स्केल के अंदर उसी का स्केल पढ़ोगे जो आपको रिक्वायरमेंट है, ओके। तो इसके अंदर देखो ये ऊपर ऊपर वाला स्केल दे रखा है, ये 0 से लेकर के 1 किलो ओम, ओके, क्या मतलब 1000 ओम, या ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, अनंत से 0 से अनंत तक का इसका स्केल होता है, अनंत टू 0। हम जो प्रतिरोध अगर आप चेक करते हो ना, तो प्रतिरोध चेक करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसका स्केल आपको कैसे पढ़ना है, अनंत टू 0। जब उसका सर्किट ओपन रहता है तो उसका अनंत प्रतिरोध होता है, और जब उसका सर्किट क्लोज रहता है तो उसका प्रतिरोध का मान क्या होता है, 0 होता है। तो वो आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको डीसी की वोल्टेज अगर चेक करनी है तो डीसी की वोल्टेज के लिए भी स्केल बना हुआ है, ओके। और एसी की वोल्टेज अगर चेक करनी है तो एसी के 10 वोल्ट से लेकर के
एसी के 10 वोल्टेज, कहने मतलब एसी और डीसी, ओके। तो यहाँ पे देखो 250 वोल्टेज लिखा हुआ है, और अगर आप चेक करना चाहते हो 1000 वोल्टेज तक का, तो इसके अंदर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ओके। और यहाँ पे देखो अदर अलग अलग कंपोनेंट्स जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको भी आप चेक कर सकते हो, ओके। बाकी यही था, और ये जो आपका ये नोब है, इससे हम इस पॉइंटर को हम सेट कर लेते हैं कि इसकी रीडिंग जीरो पे आ रही कि नहीं आ रही। आप इससे माइनर त्रुटि को आप चेक कर सकते हो, और इससे आप इस पॉइंटर को सेट कर सकते हो, ओके। बाकी आपने इसको देख लिया, सिलेक्टर स्विच की सहायता से हम क्या करते हैं, वोल्टेज चेक करने की बात कर रहे थे, ओके। तो यहाँ पे हमने किस पे रखा है इसको, 250 वोल्टेज, एसी की वोल्टेज हम चेक कर रहे हैं, तो हम इसको एसी की वोल्टेज पे हम रखेंगे, और रखने के बाद में हम देखेंगे कि ये वोल्टेज कितनी दिखा रहा है, ओके। तो इसके अंदर भी प्लस माइनस का कोई वो चेंजेस नहीं करना होता है आपको, जैसे आपकी लीड है वैसे आप इसको लगा सकते हो, ओके। तो मुझे डर भी लग रहा है कि एसी की वोल्टेज है, ओके। तो अगर लाइट आ रही होगी तो ये काम कर जाएगा, भाई लाइट नहीं आ रही, ओके, सॉरी इसमें लाइट नहीं आ रही, तो हम इसको रख देते हैं नीचे। और अगर आपको डीसी की वोल्टेज चेक करनी हो, हमने एसी की वोल्टेज चेक करने के लिए मैंने बता दिया कि आप इन लीडो को कैसे भी लगा सकते हो, फेज और न्यूट्रल का उसके अंदर प्लस माइनस या रेड या ब्लैक का कोई वो नहीं होता, ओके। और अगर आपको 1000 वोल्टेज तक की वोल्टेज चेक करनी हो, भाई जैसे दो फेज की वोल्टेज चेक करनी हो, दो फेज का मतलब 440 वोल्टेज तक की अगर आप रेंज के अंदर अगर वोल्टेज चेक करोगे, तो आपको किस पे रखना होता है, 1000 वोल्टेज वाले पे रखना होता है, ओके। यहां तक आप स्केल समझ गए, आपको स्केल को देखना होता है कि एसी लिखा हुआ है कि डीसी लिखा हुआ है। अगर आपको डीसी की वोल्टेज चेक करनी, तो आप इस तरह पाओगे, और आपको 1000 वोल्टेज तक की भी मिल जाएगी डीसी, 250 वोल्टेज तक की भी मिल जाएगी। और अगर आप जैसे मान के चलो आपको डीसी जनरेटर दे दिया, सिंगल फेज वाला अगर डीसी जनरेटर होगा, सिंगल फेज का मतलब क्या है, 220 वोल्टेज या 250 वोल्टेज वाला अगर जनरेटर मिल जाएगा, डीसी वोल्टेज की बात कर रहे हैं, ओके। सिंगल फेज तो एसी के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, अगर डीसी की वोल्टेज आपको 250 वोल्टेज तक का अगर जनरेटर दे दिया जाए, अगर उसका आउटपुट वाला वोल्टेज अगर चेक करना हो, तो आप यहाँ पे 250 पे सेट करोगे, और उसके बाद में आप इन पिनों को लगा करके आप चेक कर सकते हो। अगर यहाँ पे स्केल अगर नेगेटिव की तरफ जाता है, तो इसका मतलब है कि ये आपने जो लीडे लगाई है वो सही नहीं लगे। और अगर आप इसके लीडे अगर उसके प्लस वाले के प्लस पे लगा दोगे, और माइनस वाले को अगर माइनस पे लगा दोगे, तो ये आपकी रीडिंग अच्छे से देगा, और प्लस माइनस का कोई संकेत नहीं होगा। और संकेत किस में दिखता है, ये आपके डिजिटल मल्टीमीटर में आपको दिख जाता है, ओके। डिजिटल मल्टीमीटर के अंदर प्लस और माइनस साथ में आ जाता है, अगर आप लीड एक्सचेंज कर देते हो तो, ओके। तो उस पर भी आपको देखना है। और बाकी इसके अंदर क्या रहा, आपका प्रतिरोध रहा। अगर आप डीसी की वोल्टेज के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिए, ये हमने डीसी की वोल्टेज की बात की, तो डीसी की वोल्टेज के लिए भी वी लिखा जाता है, और यहाँ पे इसके अंदर लिखा हुआ है कितने वोल्टेज से, 0.25 वोल्टेज से, कितना 0.25 वोल्टेज से लेकर के यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 वोल्टेज तक के आप वोल्टेज चेक कर सकते हो। आपको नॉर्मली वोल्टेज जो वर्क जो काम में लेनी होती है, 250 वोल्टेज तक का आपको अगर जनरेटर दे दिया जाए, तो उसकी वोल्टेज चेक कर सकते हो, या आपका डीसी शंट जनरेटर हो और 1000 वोल्टेज तक, 1000 वोल्टेज तो नहीं बनाएगा, लेकिन आपको 440 वोल्टेज तक का वोल्टेज जरूर चेक करना होता है, ओके। तो डीसी शंट जनरेटर अगर क्या मतलब ज्यादा वोल्टेज वाला होगा, 440 वोल्टेज वाला होगा, तो उसकी वोल्टेज चेक करने के लिए आपको उसको 1000 वोल्टेज पे रखना होता है, ओके। तो 250 वोल्टेज की भी बात कर ली हमने, 250 वोल्टेज की हमने बात कर ली कि 250 वोल्टेज पे रखना होता है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसको सेट करो, और सेट करने के बाद आप उसमें लगाकर चेक कर सकते हो। और 1000 वोल्टेज कहाँ पे चेक करोगे, अगर आप गलती से भी अगर चेंज कर देते हो, ओके, कहने का मतलब आप देखते हो कि भाई वोल्टेज तो आ रही 440 वोल्टेज, और आप इसको 250 पे रख सकते हो, तो आपका मल्टीमीटर जल सकता है, ओके। तो यह आप जरूर ध्यान रखें, ओके। और यहाँ पे डीसी का जो साइन रहता है, डीसी का साइन ऐसे बना हुआ होता है, ओके। तो इसके लिए हम ऐसे बना के रखते हैं, ठीक है, ये डीसी का साइन होता है, मल्टीमीटर पे ऐसे लिखा हुआ होता है। जब आप डिजिटल मल्टीमीटर देखोगे, तो उसमें ऐसे साइन दिखाया हुआ होता है, ओके। तो हमने बात की एसी की वोल्टेज और डीसी की वोल्टेज। अब हम बात करते हैं आपका रेजिस्टेंस। अगर आपको रेजिस्टेंस जैसे चेक करना पड़ जाए कहीं पर, तो रेजिस्टेंस चेक करोगे, तो उसके लिए भी हम बता देते हैं आपको। रेजिस्टेंस चेक करने का एक अच्छा मेथड है, और उसका जो स्केल होता है, उस स्केल का भी आपको फोकस रखना होता है, स्केल को हम कैसे यूज कर सकते हैं, और जो भी आपका स्केल होगा वो स्केल आपको पढ़ना भी आना चाहिए। तो हमने डिजिटल मल्टीमीटर की भी बात करने के साथ साथ में हमने एनालॉग मल्टीमीटर आपको अच्छे से दिखा भी दिया और आपको बता भी दिया। तो अब हम बात करते हैं जैसे आपको रेजिस्टेंस, ओके, क्या मतलब रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए हमें ये साइरन, ये क्या मतलब साइन देखना होता है, ओके, साइन होता है, ठीक है। तो ये प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। और यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई वन से लेकर के, इसमें लिखा हुआ मल्टीप्लाई 10 के तक, ओके,
जैसे मान के चलो आपने किसी भी अगर रेजिस्टेंस को चेक किया तो उसको मल्टीप्लाई करना होता है। ये जो इसका पॉइंट होता है, देखो आपका ये जो स्केल के ऊपर ऐसे तीर का निशान ऐसे कुछ ना कुछ डिजाइन बनी हुई होती है, तो उसी को आपको लेके चलना होता है। इसको सिलेक्टर स्विच की सहायता से घुमा देना होता है, और घुमाने के बाद में आपका देखो ये प्रतिरोध का साइन दिख रखा है, इसमें लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे प्रतिरोध का साइन दिख रहा है और आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिख रहा है। अब कहाँ से कहाँ तक है, मल्टीप्लाई 1 से लेकर के मल्टीप्लाई 10 के तक। जैसे मान के चलो आपको क्या करना है भाई, इसका रेजिस्टेंस चेक करना है, तो रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों पिनों को हम लगाएंगे। ओके, जैसे मान के चलो मैंने 1 मल्टीप्लाई पे रखा, ठीक है, इसको रखने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों पे लगाएंगे। दोनों पे लगाने के बाद में ये जो भी रेजिस्टेंस दिखाएगा उसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 मल्टीप्लाई हमें 1 से करना होता है। मैं 10 मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। ओके, तो ये आपको देखना होता है। और इसका स्केल जब आप पढ़ोगे यहां से देखो, और इसका जो स्केल होता है ये हम कैसे देखते हैं, अनंत से 0 होता है। आपको स्केल के बारे में पूछा जा सकता है, अगर आपको प्रतिरोध चेक करना हो तो उसका जो स्केल होता है वो कैसा दिखता है, तो यहाँ से आपका स्केल जो देखने के लिए मिलेगा वो अनंत से 0 दिखेगा। और आपका जो मेगर होता है, मेगर के अंदर भी ऐसा होता है, अनंत टू 0 वाला स्केल होता है। ओके, तो मेगर में भी आपको बताऊंगा, ठीक है, मेगर के बारे में हम बहुत कुछ जानने वाले हैं, क्योंकि आपको केबी टेस्टिंग के बारे में वो सब कुछ मैं आपको करवा दूंगा। ओके, तो हमने देखा रेजिस्टेंस आप चेक कर ही सकते हो, डीसी की अगर करंट चेक करनी हो, ओके, डीसी की अगर करंट चेक करनी हो तो डीसी के लिए आप डीसी देखते हो, इसके अंदर कितना लिखा हुआ 0.25 एम्पियर है, 0.25 एम्पियर से लेकर के इसमें 1000 माइक्रो एम्पियर तक है। ओके, 1000 माइक्रो एम्पियर तक, तो आप डीसी की करंट चेक कर सकते हो। ओके, एसी की करंट की हमने चर्चा नहीं की, क्योंकि मल्टीमीटर होता है, एवोमीटर होता है, बहुमापी मल्टीमीटर, इसका नाम अलग अलग तरीके से हम इसको देते हैं, तो ये क्या काम करता है, आपके एसी की करंट चेक नहीं करता, एसी की वोल्टेज मापता है, डीसी की वोल्टेज मापता है, डीसी की करंट मापता है, रेजिस्टेंस चेक करता है और कंटिन्यूटी चेक करता है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने आज जो सीखा, एनालॉग मल्टीमीटर आपने पढ़ लिया अच्छे से, अगर कभी डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में अगर आपको जानना हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो, तो उसमें हम देखेंगे डिजिटल मल्टीमीटर। ओके, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे आपके हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज डायोड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ये जो मल्टीमीटर हमने पढ़ा इतने अच्छे से हमने सीखा, और मल्टीमीटर का आप आसानी से यूज करना सीख गए होंगे। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय, लव यू। AMI टेक्निकल क्लासेस IT यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।